क्लास टेंथ। टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति का, टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। कल सिद्ध किया था वर्ग के शीर्ष, कल प्रश्न क्या सिद्ध करना था वर्ग के शीर्ष। आज कर रहे हैं सिद्ध कीजिए बिंदु -2 -1 -1 -1 5 -2 और 4 -4 एक आयत के शीर्ष है, आयत के शीर्ष। आयत में क्या बता रखा है? सम्मुख भुजाएं समान, सम्मुख भुजाएं समान और विकर्ण समान। विकर्ण आपस में समान होंगे और सम्मुख भुजाएं क्या होगी? समान। सम्मुख माने आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं समान होगी, अभिकरण भी समान होगी, तो आयत है नहीं तो आयत नहीं। इसे बनाते हैं फिजिक्स का। इसे बड़ा 5 मार्क्स अब बिंदु -2 -1 पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा y का। x में -2 y में -1, x में -2 y -1 में आएगा -2 -1। दूसरा -1 और 1 x -1 y 1 -1 y 1 -1 और 1 5 -2 ये x का मान हो गया, y का मान हो गया। x में 5 y में -2 x में 5 y में 5 x में आ गया, -2 नीचे की तरफ आ गया y में 5 - 2 x में 4 y -4 x में 4 y -4 4 - 4 हो गया, चित्र बन गया। अब ये चित्र जो बनाया अपन ने सिद्ध करना है, यह एक आयत के शीर्ष है। चित्र जो अपन ने बनाया है सिद्ध क्या करना है? आयत के शीर्ष है। आयत में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं समान होती है और विकर्ण भी क्या होता है? समान होता है। भुजा याद करनी है आपको, ए बी बी सी सी डी और ए डी, चारों भुजा याद करनी। पहले क्या करते हैं अपन? ए बी भुजा, ए कितना है? -2 - 1 और बी कितना है? -1 - 1 ए -2 - 1 और बी -1 और 1 ये हो गया पहला ब्रैकेट एक्स वन वाई वन, दूसरा ब्रैकेट एक्स टू वाई टू। पहला ब्रैकेट एक्स वन वाई वन, दूसरा ब्रैकेट एक्स टू वाई टू। क्या ज्ञात करनी है? दूरी। क्या ज्ञात करनी है? दूरी। दूरी ज्ञात करनी है रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। दूरी ज्ञात करनी है तो रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान क्या है, x1 का मान क्या है, y2 का मान क्या है, y1 का मान क्या है, वो अपने को देखना पड़ेगा।
एक्स टू क्या है माइनस एक, माइनस एक्स वन क्या है माइनस दो, यहाँ सूत्र लगाया माइनस का मान, ये माइनस लगाया सूत्र का, और एक्स वन भी क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस वाई टू क्या है एक, माइनस वाई वन माइनस एक, यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है, वाई वन माइनस में आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस एक का माइनस में ए बी बराबर रूट एक में से दो घटाओ माइनस का एक प्लस का दो, असमान से घटते हैं घटा लो, दो में से घट गया एक, प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का एक आएगा, प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का एक आएगा, एक और एक दो, दो का स्क्वायर कर दो, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, कितना होगा चार बोले पांच, रूट पांच मात्रक ए बी का मान क्या आया रूट पांच मात्रक, ए बी आ गया रूट पांच मात्रक, आगे ए बी का मान अब इसी ज्ञात लेते हैं, बी सी ज्ञात करते हैं, ई कितना है माइनस एक, एक और सी कितना है पांच माइनस दो, बी माइनस एक और एक है और सी पांच और माइनस दो है, तो पहला ब्रैकेट है वो एक्स वन वाई वन, दूसरा ब्रैकेट है वो एक्स टू वाई टू, बी सी ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करिए, बी सी ज्ञात करना है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो बी सी की दूरी ज्ञात करनी है, बी सी बराबर ज्ञात कर लो रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, एक्स टू क्या है पांच, एक्स वन माइनस एक, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, वाई टू माइनस दो, वाई वन एक का होल स्क्वायर, ये हो गया पांच प्लस एक छ, छ का स्क्वायर माइनस दो माइनस एक, दोनों माइनस के चिन्ह समान चिन्ह, समान चिन्ह जुड़ते हैं, दोनों माइनस के चिन्ह माइनस दो माइनस एक समान चिन्ह जुड़ते हैं, माइनस तीन हो गया, माइनस तीन का स्क्वायर छ का स्क्वायर छत्तीस, तीन का स्क्वायर नौ, कितना आ गया रूट पैंतालीस, आ गया रूट पैंतालीस मात्रा, ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब सीधी याद करते हैं, ए बी बी सी याद करिए, अब सीधी सी क्या है पांच माइनस दो और डी क्या है चार माइनस चार, सी पांच माइनस दो, डी क्या है चार माइनस चार, याद क्या करनी है बीच की दूरी, याद क्या करनी है बीच की दूरी, पहला ब्रैकेट हो गया एक्स वन वाई वन, दूसरा हो गया एक्स टू वाई टू, पहला ब्रैकेट एक्स वन वाई वन, दूसरा ब्रैकेट एक्स टू वाई टू, दूरी ज्ञात करनी है सीधी ज्ञात करनी है, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, एक्स टू क्या है चार, एक्स वन क्या है पांच, चार माइनस पांच का स्क्वायर वाई टू माइनस चार, वाई वन माइनस दो, वाई वन माइनस दो, यहां पहले से माइनस लगा हुआ है, वाई वन माइनस लगाया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस दो का होल स्क्वायर, चार में से पांच कर दो माइनस एक, चार में से भाग लेते हैं माइनस एक, माइनस एक हो यार क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, छोटा चार छोटा है प्लस का, चार छोटा है प्लस का, पांच बड़ा है माइनस का, इसलिए माइनस नहीं गया, माइनस चार प्लस दो, बड़ी संख्या माइनस की है छोटी प्लस की है फिर माइनस का आएगा माइनस दो का, हो गया, तो
माइनस एक का स्क्वायर करना है और माइनस दो का स्क्वायर करना है। माइनस एक का स्क्वायर हो गया प्लस एक और दो का स्क्वायर हो गया चार, तो चार और एक कितना हो गया पांच, तो रूट पांच मात्रा क्या आया रूट पांच मात्रा। अब करते हैं एबी, एबी आ गया, बीसी आ गया, सीबी आ गया, अब क्या करते हैं एडी, ए कितना है माइनस दो माइनस एक और डी कितना है चार माइनस चार, ए माइनस दो माइनस एक, डी कितना है चार माइनस चार। पहला बंधित हो गया एक्स वन वाई वन, दूसरा हो गया एक्स टू वाई टू, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, दूरी ज्ञात करनी है ए की, ज्ञात रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है चार, माइनस x1 कितना है माइनस दो, यहाँ माइनस लगाओ माइनस माइनस होल आ गया, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, प्लस दो का वाई टू कितना है माइनस चार माइनस वाई वन माइनस एक, यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है फिर से माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस एक का पांच, दोनों प्लस के हैं जोड़ दो चार और दो छः, छः का स्क्वायर माइनस का चार और प्लस का एक, प्लस हमारे से घट जाएंगे तो बड़ा कौन है चार बड़ा है माइनस का, इसलिए माइनस का तीन आ जाएगा। बड़ी संख्या को जो चीन होता है वही चीन हमें लेते हैं, बड़ी संख्या माइनस की है माइनस का आएगा, बड़ी प्लस की प्लस का काम आता है, और स्क्वायर कर दो इसका, छः का स्क्वायर छत्तीस, तीन का स्क्वायर नौ, माइनस का स्क्वायर प्लस दो का बना रूट पैंतालीस मात्रा। तो चारों मुझे हल कर लिए, रूट पांच रूट पांच रूट पैंतालीस रूट पैंतालीस, तो ये रूट पैंतालीस आ गई, ये पांच आ गई, सम्मुख भुजाएं समान आ रही है, अगर सम्मुख भुजाएं समान आ रही है तो संभावना है कि आए क्या, अभी तक संभावना है कल क्लियर नहीं हुआ, क्लियर कब होगा जब विकर्ण याद करोगे, अगर विकर्ण समान आ गया तो आयत है, विकर्ण समान नहीं आया तो आयत नहीं, विकर्ण अगर आपस में समान आ गया तो आयत है, विकर्ण समान नहीं आया तो फिर आयत नहीं होगा, बस समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समान तो आयत में भी होती है और समांतर चतुर्भुज में भी होती है, दोनों अंतर क्या रहता है विकर्ण का, अगर विकर्ण आपस में समान आ गए तो आयत बन जाएगा, विकर्ण समान नहीं है तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, तो अब दोनों विकर्ण याद करने पड़ेंगे आपको, विकर्ण ये लो, ये विकर्ण लिया ए सी, ये विकर्ण लिया बी डी, विकर्ण ए सी और बी, विकर्ण ए सी याद करते थे, पहले याद करते हैं विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी ए कितना है माइनस दो माइनस एक, माइनस दो माइनस एक, और सी कितना है पाँच माइनस दो, पाँच माइनस दो, ए कितना है माइनस दो माइनस एक और सी कितना है पाँच माइनस दो, ये हो गया x1 y1 x2 y2, दूरी ज्ञात करनी है दूरी ज्ञात कर लो, AC बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है पांच है, माइनस x1 कितना है माइनस दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस दो का प्लस, y2 कितना है y2 माइनस दो है, y2 कितना है y2 माइनस दो है, माइनस y1 कितना है माइनस एक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक का,
पांच प्लस दो कितना हो गया, सात, सात का स्क्वायर हो गया। माइनस दो प्लस एक घट जाएगा आपस में, माइनस का दो है प्लस का घट जाएगा आपस में, कितना आएगा माइनस का एक। एसी बराबर सात का स्क्वायर हो गया उनचास, माइनस एक का स्क्वायर हो गया प्लस एक, कितना आया रूट पचास। रूट पचास मात्रक ये किसका मान आया, विकर्ण एसी का। अब क्या ज्ञात करना है, विकर्ण विधि क्या क्या करना है, विकर्ण विधि, विकर्ण विधि ज्ञात करना है। ये कितना है माइनस एक और एक, और डी कितना है चार माइनस चार, ये हो गया एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। याद क्या करना है विधि का मान, याद क्या करना है विधि, विधि कैसा आएगा रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू कितना है चार, एक्स वन माइनस एक, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एक, पहले से माइनस लगा हुआ था माइनस वाला आ गया प्लस बन गया। वाई टू कितना है माइनस चार, माइनस वाई वन कितना है एक, होल स्क्वायर चार और एक पाँच, पाँच का स्क्वायर माइनस चार माइनस एक माइनस पाँच का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, पाँच का स्क्वायर पच्चीस कितना आ गया पचास। माइनस पाँच का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो सम्मुख भुजाएं समान आ रही है, विकर्ण देखो कितना दोनों पचास आ रहा है ना, तो सम्मुख भुजाएं समान आ रही है, विकर्ण भी समान आ रहे हैं, तो आखिर सम्मुख भुजाएं समान है, सम्मुख भुजाएं समान है और विकर्ण भी समान है, सम्मुख भुजाएं समान हो विकर्ण समान हो तो क्या होता है, अतः यह एक आयत के शीर्ष है, अतः यह एक आयत के शीर्ष, सिद्ध करना ना आयत के शीर्ष है, आयत में क्या होगी सम्मुख भुजाएं समान और विकर्ण समान, सम्मुख भुजाएं समान और विकर्ण समान, सम्मुख भुजाएं बराबर आ गई विकर्ण बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया एक आयत का शीर्ष, इसका हिस्सा हो गया आयत का, आयत में सम्मुख भुजाएं समान विकर्ण समान। आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो कल करेंगे इसके, धन्यवाद।